वंदे वंदे, देखो देखो, आदमी पानी की टंकी पर क्या लगा रहा है। ये तो शायद लाइटिंग कंडक्टर है। लाइटिंग कंडक्टर? ये भला लाइटिंग कंडक्टर क्या है वंदे? लाइटिंग कंडक्टर का मतलब तड़ित चालक यंत्र है नन्ही। अरे बुद्धू, मेरे कहने का मतलब है कि भला ये लाइटिंग कंडक्टर क्या बला है, और भला इसे इतना ऊपर क्यों लगाया जा रहा है जहां ना तो कोई इसे छू सकता है और ना ही ठीक से देख सकता है। नन्ही, इसे देखने या छूने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को आपदा से बचाने के लिए लगाया जा रहा है। आपदा से बचाने के लिए? अब ये भला आपदा का क्या मतलब हुआ? आपदा क्या पानी की टंकी पर आती है? हंसने की बात नहीं है नन्नी, आपदा तो कहीं भी और कभी भी आ सकती है। वंदे, तुमको क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? आपदा के पास क्या कोई जादुई उड़न खटोला है जिस पर बैठकर वो कभी भी और कहीं भी आ सकता है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है। अरे अरे मेरे प्यारे दोस्त वंदे, तुम तो बुरा मान गए। बुरा मानने वाली बात है नन्नी, आपदा कोई हंसी मजाक का विषय थोड़ी है, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे माफ कर दो वंदे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ कि आपदा का क्या मतलब होता है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज तुम मुझे जलेबी खिलाओगी। हाँ ठीक है बाबा, खिला दूंगी मैं जलेबी। अब बताओ कि भला ये आपदा का क्या मतलब है। हाँ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जम्मू और कश्मीर की अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। जैसे मैदान, तलहटी, पीर पंजाल, पर्वतमाला, कश्मीर घाटी और हिमालय के विशाल पर्वत। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों का मतलब है विभिन्न खतरे और आपदाएं। देखा जाए तो आपदाएं हमेशा से प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और अन्य जीवों के साथ मानवीय संपर्क का परिणाम रही हैं। कभी अप्रत्याशित और अचानक, तो कभी मंद और सुस्त। विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमारे जीवन जीने के तरीके को लगातार प्रभावित करती रहती हैं।
आपदा प्रबंधन को समझने के लिए आपदा की प्रक्रिया, उससे होने वाले जोखिम, खतरे और आपदा की अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। आपदा एक घटना या घटनाओं की एक श्रृंखला है जो जनहानि, संपत्ति, आधारभूत ढांचे, आवश्यक सेवाओं या आजीविका के साधनों आदि पैमानों का नुकसान करती है। इसलिए आपदा जब भी आती है अपने साथ बड़ी तबाही की संभावना लेकर आती है। आसान भाषा में कहें तो आपदा का मतलब प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना या घटना से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान पहुंचता है। आपदा प्रबंधन को समझने के लिए जरूरी है कि हम जोखिम, खतरा और भेद्यता आदि को समझें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जोखिम। जोखिम एक विशिष्ट समय अवधि में किसी खास क्षेत्र में होने वाली एक विशेष पैमाने की एक विनाशकारी घटना के कारण होने वाले अपेक्षित नुकसान का एक पैमाना है। खतरा। खतरा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना है जो शारीरिक क्षति, आर्थिक नुकसान और मानव जीवन को खतरे में डाल सकती है, या जो वस्तुओं, इमारतों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों को एक ही बार में या अलग अलग समय पर प्रभावित कर सकती हैं। खतरे की तीव्रता और गंभीरता की अलग अलग डिग्री होती है। एक खतरे को उसकी प्रकृति, खतरे के प्रकार, स्थान और सीमा, दायरे और तीव्रता, क्षति की क्षमता और उसके घटना के संभावना अवधि और आवृत्ति, पुनरावृत्ति चक्र द्वारा मापा और परिभाषित किया जाता है। डीएम अधिनियम 2005। भेद्यता। जम्मू और कश्मीर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, अधिक ऊंचाई पर शीतलहर, मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर आदि के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील है। भेद्यता विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न खतरों से व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाले संभावित जोखिम के स्तर की समझ होती है। आपदा से तो फिर बहुत नुकसान होता होगा वंदे, आपदा तो विनाशकारी है। हाँ, आपदा जन जीवन और पर्यावरण के लिए विनाशकारी ही है, इससे भारी तबाही होती है। तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं किया जा सकता जिससे कि आपदा ही ना आए? नहीं नन्ही, आपदाओं को आने से या दुर्घटनाओं को होने से पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उचित प्रबंधन के जरिए इसके प्रभाव को बहुत हद तक टाला जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। उचित तैयारी से तुम्हारा क्या मतलब है वंदे? उचित तैयारी से मेरा मतलब आपदा प्रबंधन से है। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि ये जो लाइटिंग कंडक्टर पानी की टंकी पर लग रहा है वो आपदा प्रबंधन का ही हिस्सा है? अब तुम कुछ समझदारी की बातें कर रही हो नन्ही। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि ये जो लाइटिंग कंडक्टर लग रहा है वो आपदा प्रबंधन का ही एक तरीका है। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि आपदा प्रबंधन खतरों के जोखिम और संवेदनशीलता को कम करने की प्रक्रिया
किस प्रकार है भला? हाँ हाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपदा प्रबंधन खतरों के जोखिम और संवेदनशीलता को कम करने की प्रक्रिया है। परंपरागत रूप से आपदा प्रबंधन का अर्थ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी प्रभावी राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे उपायों से है। हालांकि आधुनिक समय में आपदा प्रबंधन आपदा संभावित क्षेत्रों में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों आपदाओं को रोकने के लिए पूर्व नियोजित प्रभावी उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन को नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों और क्रियाशील गतिविधियों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सभी स्तरों पर आपदा के विभिन्न चरणों से संबंधित है। चलिए एक बार आपदाओं की श्रेणी को समझते हैं। खतरों के प्रकार, जल और जलवायु संबंधी आपदाएं, भूगर्भीय रूप से संबंधित आपदाएं, रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी आपदाएं, दुर्घटना संबंधी आपदाएं, जैविक रूप से संबंधित आपदाएं, आकाशीय आपदा। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर लगभग सभी तरह की आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। आपदाओं की श्रेणी और उसके प्रकार। जल और जलवायु संबंधी आपदाएं, बाढ़, बादल फटना, गर्म और शीत लहर, हिमपात, बिजली व तूफान, भूगर्भीय रूप से संबंधित आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बांध फटना। दुर्घटना संबंधी आपदाएं, जंगल में आग लगना, बड़े भवनों का ढहना, त्योहार में होने वाली आपदाएं, बिजली से होने वाली आपदाएं और आग, नाव पलटना, गांव में आग लगना। जैविक रूप से संबंधित आपदाएं, महामारी, कीट हमले, मवेशी महामारी, फूड पॉइजनिंग। अच्छा, ये तो बताओ कि आपदाओं से किस किस प्रकार से नुकसान होता है। इस बात को समझने के लिए तुम्हें वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता को समझना होगा नन्ही। अच्छा बाबा, तो तुम एक काम करो, मुझे सबसे पहले वल्नरेबिलिटी का मतलब ही समझा दो। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी कि भेद्यता क्या है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी आमतौर पर किसी आपदा की जड़ उस क्षेत्र की भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षेत्र अस्थिर पहाड़ियों, बाढ़ संभावित नदियों आदि के पास स्थित है, तो वहां आम क्षेत्रों की तुलना में आपदाओं के आने की आशंका अधिक होगी। फिजिकल वल्नरेबिलिटी में शामिल है जल संसाधनों तक पहुंच,
संचार के साधनों में व्यवधान, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, फायर ब्रिगेड, सड़कों, पुलों और किसी भवन या किसी क्षेत्र के निकास तक पहुंच। इसके अलावा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में उचित योजना और कार्यान्वयन की कमी के कारण भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से बड़े नुकसान होते हैं। सामाजिक वल्नरेबिलिटी। किसी भी आपदा के होने में या आपदा से नुकसान के होने में सामाजिक वल्नरेबिलिटी का मुख्य योगदान होता है। आपदा के समय कितना नुकसान होगा, ये बहुत हद तक उस क्षेत्र के समाज की पारिवारिक संरचनाओं, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान की शक्ति, नेतृत्व शक्ति, भागीदारी और जागरूकता पर निर्भर करती है। कुछ सामाजिक कारकों के कारण भी आपदाएं भीषण हो जाती हैं, जैसे संस्कृति, परंपरा, धर्म, स्थानीय मानदंड, आस्था और राजनीतिक जवाबदेही आदि। आर्थिक वल्नरेबिलिटी। आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान भी होता है, इसलिए इस बात का अध्ययन जरूरी है कि किसी उद्योग फैक्ट्री के लगने से या प्राकृतिक आपदाओं के आने से कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपदा के आने पर निम्नलिखित आर्थिक नुकसान होते हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि का नुकसान, सिंचाई व्यवस्था का नुकसान, धन व संपत्ति का नुकसान, पशु धन का नुकसान, मशीनों का नुकसान, उत्पादन का नुकसान। पर्यावरणीय वल्नरेबिलिटी। आपदा के आने पर प्राकृतिक और पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं वनस्पतियों का नुकसान, जड़ी बूटियों का नुकसान, औषधियों का नुकसान, जल संसाधनों का नुकसान, मृदा का नुकसान, प्राकृतिक खनिजों का नुकसान आदि। क्षमता। आपदा प्रबंधन में क्षमता का तात्पर्य ऐसे साधनों से है जिनका उपयोग आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से मानव संसाधन, मशीन और प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं। हालांकि किसी भी आपदा के प्रभाव को रोकने में मुख्य भूमिका दिशा निर्देश, योजना, रणनीति, संचार आदि निभाते हैं। वाह, जलेबियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है वंदे। हाँ, हमारे गांव की जलेबियां तो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वाह घनश्याम चाचा, आपने तो अपनी दुकान में अग्निशामक यंत्र गैस भी लगवा रखा है। हाँ हाँ, हमने किसी भी आपदा के आने से पहले की तैयारी कर रखी है। सरपंच जी के आदेश पर ही दुकान में आपदा पूर्व तैयारियां की गई है। आपदा पूर्व तैयारी? ये भला आपदा पूर्व तैयारी का क्या मतलब है? प्यारी बेटी नन्ही, मैंने ग्राम सभा में हिस्सा लिया था। वहाँ सरपंच जी ने बताया था कि आपदा प्रबंधन के कार्य को तीन चरणों पर किया जाता है, आपदा पूर्व कार्य, आपदा आने पर कार्य, आपदा पश्चात कार्य। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ।
आपदा प्रबंधन के कार्य को 3 चरणों में किया जाता है। आपदा पूर्व कार्य, आपदा आने पर कार्य, आपदा पश्चात कार्य। चलिए इन कार्यों को जरा विस्तार से समझते हैं। आपदा से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपदाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, परंतु अच्छी तैयारी विनाश को बहुत हद तक टाल सकती है। किसी भी आपदा के प्रभाव को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे आपदा निरोधक यंत्रों की जांच, आपदा को रोकने के लिए व्यवस्था, आपदा को रोकने के लिए योजना बनाना, जलाशयों की सफाई, ऊंचे स्थानों की पहचान, मार्ग निर्माण, रणनीति बनाना, प्रशिक्षण देना, जागरूक करना आदि। आपदा के दौरान राहत प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका, मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रखना, अफवाहों पर ध्यान ना दें, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, प्रशिक्षण प्राप्त स्थानीय युवाओं की सहायता लें, बचाव कार्य के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और कमजोर लोगों का विशेष ख्याल रखें। आपदा घटित होने के बाद पंचायत की भूमिका। आपदा के गुजर जाने के बाद भी सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहता है, आमतौर पर भारी जान माल का नुकसान होता है, इसलिए आपदा के गुजर जाने के बाद भी ये काम जरूर करें। प्रभावित लोगों की लिस्ट बनाएं, नुकसान का आंकलन करें, मृत शवों को हटवाएं, बिजली संचार और यातायात व्यवस्था को दोबारा चालू करवाएं, मुआवजे का प्रबंध करें, राहत सामग्री का वितरण करें, संबंध स्थापित करें, आवश्यकताओं की रिपोर्ट बनाएं, संचार व्यवस्था को पुनः शुरू करें। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है कि आपदा के गुजर जाने के बाद भी सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहता है, इसलिए आपदा के गुजर जाने के बाद भी आपदा प्रबंधन का काम चलना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नन्ही। अरे नन्ही बंदे, कहाँ जा रहे हैं मेरे दो शैतान सिपाही? नमस्ते सरपंच काका। खुश रहो खुश रहो सरपंच काका, मैं और नन्ही तो अब स्टेपू खेलने जा रहे हैं। सरपंच काका, पानी की टंकी पर लाइटिंग कंडक्टर लग रहा है, आपने देखा क्या? हाँ नन्ही, हमने देख लिया। हमारे ही निवेदन पर गांव के सभी ऊंचे स्थानों पर लाइटिंग कंडक्टर लगाए जा रहे हैं। यह ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना की जरूरतों में से एक जरूरत है। आपदा प्रबंधन के बारे में तो मास्टर जी ने हमें समझाया था,
लेकिन सरपंच काका, यह ग्रामीण आपदा प्रबंधन अब क्या है भला? आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मुख्य हिस्सा है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदाओं को देखते हुए कई कार्य करने चाहिए। किस तरह के कार्य करने चाहिए सरपंच जी? कई तरह के कार्य नन्ही, जैसे किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना। उदाहरण के लिए भूकंप संभावित क्षेत्र में भूकंप आने के खतरे को देखते हुए पंचायतें भूकंप राहत समिति बनवा सकती है। लेकिन सरपंच काका, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों पर ही क्यों होती है? क्या इसके पीछे का तर्क यह है कि स्थानीय शासकों को अपने स्थान के बारे में अच्छी जानकारी होती है? हाँ बिल्कुल सही बंदे, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए किसी भी तरह की आपदा के समय सबसे पहले सहायता, सहयोग और सुझाव के लिए इन्हीं को याद किया जाता है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना की जरूरत। अपने क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान स्थानीय प्रतिनिधियों को बहुत अच्छे से होता है, इसलिए किसी भी तरह की आपदा के समय सबसे पहले सहायता, सहयोग और सुझाव के लिए इन्हें ही याद किया जाता है। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मुख्य हिस्सा है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाएं आपदा में राहत कार्य करती हैं। किसी भी तरह की आपदा के इस समय पंचायतें इन्हीं संस्थाओं से संपर्क करती हैं। कई बार अपने क्षेत्र के हालातों को देखते हुए संभावित आपदा से निपटने के लिए गांव के ही युवाओं को पंचायतें प्रशिक्षण दिलवाती हैं। इसके अलावा किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पंचायतें अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ संभावित क्षेत्र में बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए पंचायतें बाढ़ राहत शेल्टर बनवा सकती हैं। ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना में प्रभावी सहायता, तेज चिकित्सा व राहत एवं बचाव कार्य शामिल हैं। सरपंच काका, अब हम आपकी बात समझ गए। हाँ सरपंच काका, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के कार्य को किस तरह से किया जाता है और क्या इस काम में पंचायती राज विभाग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसी प्रकार की मदद मिलती है? वाह, छोटी नन्ही ने तो बड़ा सवाल कर दिया। देखो बच्चों, आपदा प्रबंधन के 4 चरण होते हैं। इन चरणों को हम ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी के नाम से जानते हैं। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। भारत में बहुत से क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील माने गए हैं। देश की 70% खेतिहर जमीन सूखे की आशंका की जद में है। वहीं कुल जमीन का 60% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है। 12% को बाढ़ का खतरा है, जबकि 8% पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की आपदाएं समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इनका सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। इसी बात को समझते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। चलिए आपको इसके बारे में
बताते हैं। आपदा प्रबंधन के चरण, ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, इन चरणों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी कह सकते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के युवाओं को आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन किस तरह से हो सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है आदि के बारे में लोगों को जानकारी हो। लोगों को यह भी बताएं कि आपदा के बाद प्रभावित जनजीवन की स्थिति में सुधार किस तरह से लाया जा सकता है। साधारण जनमानस को आपदा नियंत्रण व उससे बचाव के प्रति जागरूक करें। आपदा पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। प्रिपरेशन, आपदा से जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए जरूरी है कि पंचायत क्षेत्र में आपदा से बचाव की तैयारी हो। सड़कों पर अतिक्रमण ना होने दें। अवैध निर्माण को रुकवाएं। समय समय पर राहत और बचाव कार्य से संबंधित मॉक ड्रिल करवाएं। ग्राम सभा में आपदा से संबंधित बैठकों का आयोजन करें। आपदा से संबंधित आसानी से समझ में आने वाले शब्दकोश का निर्माण करें। आपातकालीन आश्रय स्थल का निर्माण करवाएं। आपातकालीन चेतावनी देने संबंधी विधियों का विकास और अभ्यास करवाएं। आपदा के दौरान विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों का इंतजाम और प्रबंधन। नागरिक आबादी में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संगठनों का विकास करें। घर के आसपास लगे सूखे पेड़ों को पहले ही कटवा दें ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर खिड़की के दरवाजे पर कांच लगा है तो उसकी सेफ्टी के लिए बाहर से लकड़ी का तख्ता लगवा दें। घर में बैटरी के सेल चेक कर लें। लालटेन में मिट्टी का तेल भर लें और इतना स्टॉक रख लें कि अगर 2-3 दिन के लिए बिजली गई तो उससे काम चल सके। रिस्पॉन्स, जैसे ही आपदा आए रिस्पॉन्स कार्य यानी कि बचाव कार्य शुरू कर दें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे पहले प्राथमिकता दें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहें। लाउडस्पीकर से लोगों को आवश्यक जानकारी दें। गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहें। अगर कोई बिजली का तार पानी में गिरा हुआ है तो उस पानी के संपर्क में ना आए। रात में लोगों को संदेश देने के लिए लालटेन, टॉर्च, फ्लैशलाइट आदि का उपयोग करें। खिड़कियों और दरवाजों को हवा की विपरीत दिशा में खोल दें। रिकवरी, जिन जिन क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई में रुकावट है उन क्षेत्रों में दोबारा सप्लाई चालू करवाएं। घायलों और मृतकों की सूची बनाएं। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करें। स्थानीय रेडियो और समाचार चैनलों की खबरों को सुनें। उपयोगी सुविधाओं की टूट फूट हुई है उसकी जांच करें और अधिकारियों को रिपोर्ट करें। घर या इमारत के क्षतिग्रस्त होने पर अपने स्थानीय काउंसिल से संपर्क करें। नुकसान का रिकॉर्ड बनाएं और फोटो खींचें।
मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए सलाह हेतु अपने काउंसिल से संपर्क करें। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य BDO और उनके रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट इंजीनियर, पंचायती राज के सदस्य, ग्राम प्रमुख, महिला मंडल, NCC या NSS, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल समिति के सदस्य, ग्राम सदस्य, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य आदि। तुम्हें मालूम है बच्चों, गांवों में आपदा प्रबंधन के कार्य के लिए समिति भी बनी है। क्या इस कार्य के लिए बकायदा समिति का भी गठन किया गया है? ये समिति क्या क्या कार्य करती है सरपंच काका? प्रखंड या जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों से संपर्क बनाना, आपदा प्रबंधन योजना में बाधाओं को दूर करना और संभावित आपदा के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेना इस समिति के कार्य है नन्ही। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। आपदा प्रबंधन समिति के कार्य। बैठक के अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रधान की होगी। टास्क फोर्स के सभी सदस्य सीधे प्रधान द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इन कार्यों की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन समिति की होगी। ग्रामीण आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाना और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना, समिति के सभी अकाउंट को मेंटेन करना, प्रखंड या जिला प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों से संपर्क बनाए रखना, टीम के विभिन्न सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता करना, आपदा प्रबंधन योजना में बाधाओं को दूर करना, संभावित आपदा के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेना, ग्रामीणों को बाढ़ के पानी से बचने के तरीके सिखाना, सुरक्षित स्थानों की पहचान करना, लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करना, आपदा से बचने की रणनीति बनाना। आज तो सरपंच जी ने हमें ग्रामीण आपदा प्रबंधन के बारे में कितना कुछ बताया ना वंदे। हाँ, और नहीं तो क्या, आपदा प्रबंधन के बारे में इतना विस्तार से तो मुझे नहीं मालूम था। अरे वो देखो, आशा दीदी जा रही है। प्रणाम आशा दीदी। वाह क्या बात है, मैं तुम्हारे ही घर की तरफ जा रही थी वंदे, और देखो तुम दोनों से यही मुलाकात हो गई। मेरे घर की तरफ क्यों आशा दीदी? सरपंच जी की आज्ञा से गांव की सभी प्रमुख जगहों पर आपातकालीन किट रखवाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल और पंचायत भवन में ये किट रखवा रही हूँ। आंगनवाड़ी का रास्ता तुम्हारे घर की तरफ से ही जाता है, इसीलिए बस उधर से ही जा रही थी। आशा दीदी, आपदा प्रबंधन के बारे में तो सब कुछ समझ गए हम लोग, सरपंच काका ने भी हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन अब ये आपदा आपातकालीन किट क्या है? हाँ दीदी, हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। हाँ हाँ बताती हूँ, ध्यान से सुनो। आपदा आपातकालीन किट हर खराब स्थिति और संकट में सहायक साबित हो सकती है। चलो मैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी देती हूँ। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक आपदा आपातकालीन किट के बारे में जागरूक करना चाहिए। आपदा आपातकालीन किट हर खराब स्थिति और संकट में सहायक साबित हो सकती है। जब हम इसकी उम्मीद कम करते हैं, भूकंप, तूफान,
बवंडर, जंगल की आग, फ्लैश बाढ़ आ सकते हैं। आपदा किट में इन चीजों का होना आवश्यक है। बोतल बंद पेयजल, डिब्बा बंद भोजन, टॉर्च, चार्जर के साथ सेलफोन, पोर्टेबल रेडियो, महत्वपूर्ण संचार जानने के लिए उपकरणों के लिए अतिरिक्त बैटरी, नोटबुक और कलम, व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित नगद रुपया, आसपास के क्षेत्रों का नक्शा, व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रति, पते का प्रमाण, घर पर कार्य पट्टा, बीमा पॉलिसी, पहचान का सबूत। आपदा आपातकालीन किट से मुझे याद आया कि मास्टर जी ने हमें प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में भी बताया था। तो क्या प्राथमिक चिकित्सा किट भी आपदा के समय काम आ सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपदा से बचने के लिए हर किसी को प्राथमिक चिकित्सा किट रखना चाहिए। हाँ तो नन्ही, चलो मुझे प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में बताओ ना। हाँ हाँ, तुम दोनों शैतान बात करो, मुझे जरा काम है, फिर मिलेंगे आशा दीदी। अच्छा नन्ही, अब मुझे प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में बताओ ना। हाँ हाँ वंदे, ध्यान से सुनो। जीवन में आपदाएं कभी भी और कहीं भी आ सकती हैं। ऐसे में आपको किसी भी दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहकर घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता से है। इसे ही अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य दुर्घटना होते ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जरूरी चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना है। प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में सहायक है। डॉक्टर के अनुपस्थिति में प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से अस्थायी चिकित्सा दी जा सकती है। आपदा से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपके पास प्राथमिक चिकित्सा किट यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स का होना आवश्यक है। फर्स्ट एड बॉक्स में आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाइयां होती हैं। इस किट से आपातकालीन स्थिति में मदद मिलने से पहले घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। एक फर्स्ट एड किट में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे मेडिकल बैंडेज, घावों को कवर करने के लिए 4x4 की पट्टियां, ORS पैकेट्स, एंटी हिस्टामिन क्रीम, सनस्क्रीन, थर्मोमीटर, विशेष दवा दस्तावेजों की प्रतिलिपि, निजी दवाइयां, बर्न केयर और आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयां। वाह, प्राथमिक चिकित्सा किट तो संकट के समय बहुत ही सहायक है। मैं भी अपने घर पर एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखूंगा। हाँ, और मैं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी बातों का ख्याल रखूंगी। सिर्फ ख्याल ही नहीं नन्ही, हम ये सारी जानकारियाँ जन जन तक पहुँचाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपदाओं से नहीं डरना है, राहत और बचाव कार्य का प्रबंध करना है।
मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आपदाओं से नहीं घबराएंगे। जय हिंद, जय भारत।